Hi guys, in this video we'll talk about MSCET 2021, whichever CET exam you are planning to write, MCA, Law, B.Ed, MCA. So far from March to August, मतलब 6 month के timeline में क्या क्या events हुए हैं और क्या अभी चल रहा है, what is the current status basically on CET cell. So we'll talk in depth. So all the events, activity जो भी अभी तक CET cell पे चल रही है और final अभी कहाँ पे CET cell है विथ रिगार्ड टू द एग्जाम डेट, अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है. सो ऑल द टाइम लाइन एंड इवेंट विल टॉक इन दिस वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर प्रिपरेशन चालू नहीं की है आपने, सो डेफिनेटली वन शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द मॉक टेस्ट, बुक्स, सेक्शनल कोर्स, फुल कोर्स. काइंड लॉग ऑन टू द रिस्पेक्टिव वेबसाइट. अगर आप MBA CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो menuvideo.com/MBA entrance. लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 3 or 5 years, menuvideo.com/law entrance. एंड लाइकवाइज फॉर MCA and BEd, menuvideo.com/MCA entrance एंड menuvideo.com/BEd entrance. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डायरेक्ट लिंक, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली यू कैन विजिट द वेबसाइट. फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम. सो जो एक्टिविटी चालू हुई थी वो मार्च मंथ से हुई थी. सो सीईटी का अपडेट 2021 को लेके मार्च में आया था. आफ्टर देन प्रपोजल फॉर द हु विल बी कंडक्टिंग द सीईटी एग्जाम वो अप्रैल में चालू हुआ. फिर रिवाइज प्रपोजल आया बाई अप्रैल मिड. आफ्टर देन एक्सटेंशन चालू हो गए. सेकेंड एक्सटेंशन आपका 26th of April, फिर थर्ड एक्सेशन मई चला गया, फिर फोर्थ एक्सेशन आया आपका मिड ऑफ मे. उसके बाद टेंडर प्रपोजल पोस्टपोन्ड ही हो गया पूरी तरह से. एंड उसके बाद एक डेट आई, टेंटेटिव डेट फॉर द एग्ज़ाम, जुलाई या तो फिर अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे हायर टेक्निकल एंड एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी ने, ठीक है. सो जून में ये डेट उन्होंने दी. आफ्टर देन इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर, इसका फॉर्म फिलिंग चालू हो गया बाई जून. उसके बाद विथ रिगार्ड्स टू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स अपडेट आया. फिर MBA CET का भी फॉर्म फिलिंग चालू हो गया बाई 26th of June. एंड लाइकवाइज MH Law CET, MCA एंड Law CET 3 years, इनका फॉर्म फिलिंग जून तक चालू हो गया. और फिर MCA का भी जुलाई एंड लॉ 3 years का भी जुलाई. सो जैसे ही फॉर्म फिलिंग चालू हुआ था, वी एक्सपेक्टेड कि डेट एग्ज़ाम की जो होगी वो अगस्त आएगी, बट अगस्त एंड होने आ गया है, बट अभी तक कोई डेट नहीं है एग्ज़ाम्स को लेकर के. उसके बाद 15th इवेंट जो है आपका, डेट इज़ BEd का फॉर्म फिलिंग, जुलाई में ही चालू हो गया था. फॉर्म फिलिंग के बाद फिर रीओपनिंग चालू हुई MH Law CET को लेकर के. रीओपनिंग 13th of July से लेकर 20th of July, सेम गोज टू द 3 years एंड BEd एग्जाम्स को लेकर, सारे एग्जाम्स को लेकर रीओपनिंग ऑफ फॉर्म फिलिंग अगस्त चला गया आपका. अगस्त 9 तक आपका फॉर्म फिलिंग था. उसके बाद एक एग्जाम की डेट आती है, फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाई उदय सामंत, MBA, MCA, लॉ एंड BEd को लेकर के. MBA, MCA 26th of August, लॉ एंड BEd 16th of September. सो ये डेट तो अभी ओवर हो गई है, तो इसका कोई रिलेवेंट ही नहीं है, कोई तुक नहीं बनता इसका. एंड ये डेट अभी बाकी है, तो ये डेट को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये अभी क्वेश्चन मार्क है. फिर आफ्टर द कॉन्फ्रेंस वी गॉट दिस कि रीओपनिंग ऑफ द फॉर्म फिलिंग आपका 16th तक एक्सटेंड हो गया है, 16th of August तक. सो अभी तो रिसेंट इवेंट चल रहा है वो आपका ये खत्म हुआ है. फॉर्म रीओपनिंग ऑफ द फॉर्म फिलिंग 17th of August तक गया है फॉर ऑल दिस एग्जाम्स. और अभी डेट जो अनाउंस है एग्ज़ाम की वो फेज़ वाइज होगा, फेज़ वन एंड फेज़ टू में. सो ये जो अभी डेट है 4th of September से लेकर 10th of September फेज़ वन एंड 14th of September से लेकर 20th of September फेज़ टू, अभी ये डेट आपका एग्ज़ाम को लेके है. लेट्स सी ये डेट को आपका एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, डाउटफुल है, बिकॉज आइडली 10 डेज या तो 15 डेज बिफोर वी गेट टू नो के एग्ज़ाम है. सो लुकिंग एट दिस डेट 7 डेज से अप्रॉक्सीमेट बचा हुआ है अपने पास. सो डाउटफुल है कि ये डेट को एग्ज़ाम हो, मे बी एक्सटेंड हो सकता है. सो कीप ऑन चेकिंग द सीईटी सेल वेबसाइट. अभी का जो करंट स्टेटस है उस पर कोई अपडेट नहीं है विथ रिगार्ड्स टू द एग्ज़ाम को लेकर के. सो अगर मोटा मोटी अगर टाइमलाइन देखोगे तो 6 month का अभी तक पूरा इवेंट चला है सीईटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के. MBA, MCA एग्ज़ाम्स आपके मार्च में हो जाते हैं और अगस्त ख़त्म होने आ गया है, तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है. लेट्स सी एग्ज़ाम कितना डिले होता है. सो सीईटी के वेबसाइट पे क्या चल रहा है वो आपको सीईटी के वेबसाइट पे कंटिन्यूअस मोड पे चेक करते रहना होगा. अभी तक के जितने इवेंट्स हुए हैं 20+ इवेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इवेंट्स लास्ट 6 months में चल रहे थे और ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि एग्ज़ाम जल्दी से हो, बिकॉज एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार प्रिपरेशन हो गई है बट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है. सो टू ऑल द स्टूडेंट आई रिकमेंड एंड आई रिक्वेस्ट देम कि पेशेंस रखो, एग्ज़ाम फॉर श्योर होगा. इतना टाइम वेट कर लिया आपने तो थोड़े टाइम और प्रिपरेशन कंटिन्यू मोड में रखो, बिकॉज ऑल ऑफ सडन डेट आएगी एग्जाम्स की. सो वेरी सून 2021 एग्ज़ाम तो आपका हो जाएगा. 2022 एंड 23 की बैचेस तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लाइव बैचेस यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. एंड ऑल द प्रोग्राम लिंक रिगार्डिंग दी
MBA लॉ BEd MCA फुल कोर्स सेक्शनल कोर्स मॉक टेस्ट सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन। डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे वोकैब GK बहुत सारी एक्टिविटी होती है और एग्जाम्स के अपडेट नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे एंड फेसबुक पे। तो यूट्यूब से तो कनेक्टेड रहो ही और ये सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में वंस अगेन आई हैव गिवन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CET 2021 प्रिपरेशन। थैंक यू।